मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ हुई जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय सिविल लाइन एवं मीरापुर चौराहे पर नाचते गाते पटाखा फोड़कर जीत का जश्न मनाया और मिठाई बांटी। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के चित्र पर और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की जीत की बधाई दी। इस जीत पर भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की है। महापौर गणेश केसरवानी, प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि यह जीत भाजपा की विचारधारा और कार्यकर्ताओं की जीत है। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा के नेताओं ने कहा कि 3 राज्यों की जीत सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है जो लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई देगा। मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि अतरसुईया में गिरी बाबा, सिविल लाइन में मंडल अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव, विक्रम सिंह पटेल, मुठ्ठीगंज में रईस चंद्र शुक्ला, अजय अग्रहरी, कीटगंज में पार्षद किरण जायसवाल, विवेक अग्रवाल, मनोज मिश्रा और दारागंज में तीर्थराज पांडे ने भाजपा की जीत पर मिठाई बांटी। इसी क्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय को लेकर अधिवक्ताओं ने भी जश्न मनाया। अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। शीर्ष नेताओं को बधाई प्रेषित करते हुए अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यह जीत नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति और कार्यकर्ताओं के परिश्रम तथा मतदाताओं के संकल्प की है। अधिवक्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया है। पूर्व शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्र की अध्यक्षता में गोविंदपुर स्थित आवास पर हुई बैठक में प्रदेश सरकार के अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी, ओम प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र, स्थायी अधिवक्ता बीरेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रदीप द्विवेदी आदि शामिल हुए। भारत सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश, मुख्य स्थायी अधिवक्ता चतुर्थ शीतला प्रसाद गौड़, अधिवक्ता भारत सरकार कृष्णजी शुक्ल, संजय यादव, एनके चटर्जी, बीके रघुवंशी, अतुल पांडेय, सभाजीत सिंह, अधिवक्ता मनीष द्विवेदी ने प्रचंड विजय का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नीतियों को दिया है।